Hi everyone, welcome वेलकम टू channel चैनल पिनेकल स्टडी In इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट एम एस पी रेस फॉर राबी क्रॉप्स जिन्होंक कल भारत सरकार ने रबी क्रॉप्स पे एम एस पी रेस कर दी है अब हम बात करेंगे कि वाई द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग एंड द एम एस पी जो रेस की है वो भी अप टू द मार्क नहीं है सो लेट इस डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ एम एस पी रेस फॉर राबी क्रॉप बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वी आर कमिंग विद द न्यू कोर्स ऑफ इकोनॉमी and this is a comprehensive course for upsc punjab pcs various central and the state government jobs the daily live class in the noon at 12 pm and recording of every live class and pdf will be available after the class and it also includes ncrts economy from the class number 9 to 10th videos and it's a complete course of th uh, 3 months and the course starts from 25th uh, of september 2020 and the course fees is only rupees 3000 तो ये कोर्स आपको लाइव मिलेगा हमारी ऐप पिनेकल स्टडी ग्रुप ऐप पे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एप्पल uh, और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है ये ऐप और दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया फॉर एनी असिस्टेंस काइंडली कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर्स एंड एनरोल नाउ सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एम एस पी रेस फॉर रबी क्रॉप्स यू नो टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन एज अ मार्केटिंग ईयर रबी क्रॉप्स की जो एम एस पी रेस की है फर्स्ट बात करते हैं वीट की वीट का परसेंटेज इंक्रीज़ किया है ओनली टू पॉइंट सिक्स बार्ले का किया है फोर पॉइंट नाइन्टी वन परसेंट ग्राम का किया है फोर पॉइंट सिक्सटी वन परसेंट लेंटिल मंसूर दाल सिक्स पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट रैपसीड एंड मस्टर्ड फाइव पॉइंट जीरो एट एंड दैप फ्लावर टू पॉइंट फोटीन परसेंट तो ये क्रॉप्स के परसेंटेज इंक्रीज हुए हैं एम एस पी एंड यू नो जो एम एस पी होता क्या है फार्मर्स अपना सारा प्रोडक्शन क्रॉप्स भारत सरकार को सेल करती है और भारत सरकार उसको एफ अपने के लिए उन्होंने एक बॉडी बनाई हुई है एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के आधार पे एफ उनसे सारा का सारा फूड प्रोक्योर करेगी और फर्दर उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सेल करेगी जिससे वहाँ पर बी कार्ड होल्डर्स को फूड और फूड मिलेगा तो भारत सरकार के बदौलत एफ सी आई प्रोक्योर करती है एंड भारत सरकार जो एम एस पी फाइनलाइज करती है उसके लिए एक तो बॉडी होती है सी ए सी पी तो सी ए सी पी की रिकमेंडेशन से सी सी ई ए कैबिनेट कमेटी ऑफ इकनॉमिक अफ़ेयर्स साल में दो बार एम एस पी फाइनलाइज़ करती है सो रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स कैबिनेट कमेटी ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स राइट नाउ वी हैव एट कैबिनेट कमेटीज और इसमें से कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इज इंपॉर्टेंट कमेटी जिसके चेयरपर्सन हैज मार्जिनली इंक्रीज एम एस पी फॉर सिक्स रबी क्रॉप फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आर एग्रीकल्चर क्रॉप विच आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग जिसमें मैंने बताया बीट बार्ले मस्टर्ड द सम एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स एंड देर आर सम की पॉइंट लाइक एमएसपी रेट्स वर हाइक फॉर वीट बार्ले ग्राम मसूर दाल सफ्लावर रेप सीड एंड मस्टर्ड इस पर एम एस पी हाइक हुई है एंड एम एस पी हैज सीन अ लोअर हाइक कम्पेयर टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन देखिए दो हज़ार इक्कीस बीस इक्कीस और ये जो भारत सरकार ने अब इक्कीस बाईस के लिए इकोनॉमिक अफेयर्स ने एम एस पी निर्धारित की है और अगर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के कंपेरेटिव ये हाइक लोअर है

देखिए 2018-19 के बजट में जब अरुण जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि हम एम 1.5 टाइम्स करेंगे डेढ़ गुना एम एस पी करेंगे उसके कंपैरेटिव डेढ़ गुना करने के लिए इन्होंने एम सिर्फ और सिर्फ 2.6 परसेंट बढ़ाई इट मीन्स वन फिफ्टी एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट हाइक चाहिए सो दिस इंक्रीज इन एन एम एस पी इज़ अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ फिक्सिंग द एम एस एट द लेवल ऑफ एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया वेट एवरेज कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज़ इन एम एस पी कम्स इन द मिड सेट ऑफ वहमेन प्रोटेस्ट बाय द फार्मर देखिए पूरे इंडिया में पंजाब में हरियाणा में ये प्रोटेस्ट देखने को मिला बिकॉज ऑफ द थ्री कॉन्ट्रोवर्शियल बिल पास बाय द पार्लियामेंट फेयर द न्यू एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स विद रिजल्ट फेसिंग आउट एमएसपी एंड द पब्लिक प्रोक्योरमेंट देखिए किसानों को यही डायरेक्ट एक तो एम एस पी पूरी तरह से चला जाएगा और एक जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट करती है वो भी यहाँ से फेस आउट हो जाएगा तो ये दोनों डर से द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग इन इंडिया यू नो अब इशू विद द न्यू रिफॉर्म्स और न्यू एग्रीकल्चर रिफ़ॉर्म्स अब हमारा जो न्यू एग्रीकल्चर बिल्स पास हुए हैं तो उस पर क्या इशूज़ है क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हैं यू नो जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तीन बिल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पहला तो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 ओके okay? फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल okay? टू नेक्स्ट है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसज बिल टू और थर्ड है असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल टू ये तीनों बिल पास हो गए हैं पार्लियामेंट में एंड इन द शॉर्ट द बिल्स एम टू डू वे विद द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन एग्रीकल्चर ट्रेड बाय क्रिएटिंग अ ट्रेड एरिया फ्री ऑफ मिडल मैन एंड द गवर्नमेंट टैक्सेस आउटसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इस न्यू बिल से जो भारत सरकार की इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी पब्लिक प्रोक्योरमेंट ख़त्म हो जाए के चांसेस हैं एम एस पी फेस आउट के चांसेस हैं सो द बिल इज़ डू वे विद द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अब एंड दे आल्सो रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट स्टॉक होल्डिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसानों से खरीद कर जो आरती होते हैं जो प्राइवेट होल्डिंग स्टॉक होल्डिंग करते हैं उस पर भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी हुई है तो ये कुछ है, कॉन्ट्रोवर्सीज हैं कुछ इश्यूज हैं बिल के कारण जिससे पूरे इंडिया में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू द फार्मर्स विल गिव प्रेफरेंस फॉर कॉरपोरेट इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ फार्मर इंटरेस्ट एंड द लैक ऑफ रेगुलेशन इन दिस नॉन ए पी एम सी मंडीज आर कॉस्ट ऑफ कंसर्न फॉर फार्मर्स देखिए एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्योंकि इस बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एक पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि जितना भी किसान प्रोड्यूस करेंगे वो सारा का सारा सेल आउट हो जाएगा और सेकंड इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इससे उनका जो प्राइस है वो एमएसपी से काफ़ी नीचे मिल जाएगा उनको बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि हम इतना आपसे प्रोक्योर करेंगे विद दिस प्राइस तो इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा तो देर इज नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट ओनली द प्राइवेट मंडीज एंड द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विच इज इन एमएसपी

जहां पर ऑलरेडी एपीएमसी पी एबॉलिश कर दिया गया था 2006 में छ दिस फेयर विद द एक्सपीरियंस ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार यू नो बिहार में एपीएमसी 2006 में एबॉलिश कर दिया गया था एंड आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ मंडीज फार्मर इज इन द बिहार ऑन एवरेज रिसीव लोअर प्राइस विच इज कम्पेयर टू एम फॉर मोस्ट क्रॉप ज़्यादातर क्रॉप्स में उनको एम से काफ़ी कम में प्राइस पे बेचना पड़ता है एंड द गवर्मेंट प्रोक्योरमेंट ऑल्सो रिड्यूज सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू द अदर स्टेट्स तो इसी बिहार के एक एक्सपीरियंस से दूसरे स्टेट्स में भी अब ये डर जाग गया एंड गवर्नमेंट इज रिलाइंग ऑन द मार्केट टू रिलाइज बेटर प्राइसिस एंड हाउ एवर रिसेंट डाटा सुजेस्टेड लिमिटेशन ऑफ मार्केट इंटरवेंशन इज रेजिंग फार्म गेट प्राइसिज फॉर मोस्ट क्रॉप्स वेयर एम एस पी लेट प्रोक्योरमेंट इज नॉट एक्जिस्टेंस जहां पर एम एस पी प्रक्योरमेंट नहीं है द डिक्लाइन हैज बीन शार्प वहां पर एमएसपी का डिक्लाइन बहुत तेजी से होता है सो इवन कैश क्रॉप जैसे कॉटन एक कैश क्रॉप है हैव सीन अ क्लैप इन द प्राइस इन द एबसेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड विद राइजिंग इनपुट कॉस्ट फार्मर डू नॉट सी द मार्केट प्रोवाइड दम रेमोरेटिव प्राइसिस बिकॉज इनपुट्स तो सरकार नहीं देगी इनपुट्स उनको खुद से लेकर आना पड़ेगा पर जो उनका आउटपुट है उस पर सरकार का रोल ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट द फार्मर्स ऑल्सो रेस कंसर्न अबाउट द इंटेंट ऑफ गवर्नमेंट टू लीव प्राइस डिकवरी डिस्कवरी मैकेनिज्म ऑन द मार्केट अब ये सारा प्राइस डिस्कवरी है वो मैकेनिज्म ये सारा मार्केट बेस्ड हो जाएगा गवर्नमेंट का रोल नहीं रहेगा एंड फ्लक्चुएशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एंड इट हैज़ टाइम एंड अगेन मेड एडहॉक इंटरवेंशन सच एज रेजिंग इम्पोर्ट ड्यूटी एंड ऑन अनियन एक्सपोर्ट अब बात करते हैं एम एस पी msp एस पी होती क्या है देखिए एमएसपी एक ऐसा रेट है जिसमें गवर्नमेंट फार्मर से फूड ग्रेन्स परचेज करती है एंड रीजन बिहाइंड द आइडिया ऑफ एम एस पी टू काउंटर प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज एग्रीकल्चर के कमोडिटीज में इतनी वोलाटेलिटी ना आए इतना वोलाटाइल मार्केट ना हो तो so, कैस क्यों, क्यों वोलाटाइल हो सकता है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स लाइक सप्लाई लैक ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन अर्समेट्री तो दीज आर सम कंसर्नस अबाउट द एम एस पी अबाउट द प्राइस वोलाटिलिटी तो फिक्सेशन ऑफ एम एस पी अब एम एस पी जो है वो ट्वेंटी थर्ड क्रॉप बेस्ड ये सी एस सी पी रिकमेंड करती है देखिए कोस्ट ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसिस कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है एमएसपी पे और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इनकी रिकमेंडेशन को अप्रूव करके फाइनल एम निर्धारित करती है फाइनल ओके सो एम एस पी इज द फिक्स फॉर ट्वेंटी थ्री क्रॉप्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो जब भी क्वेश्चन आएगा सी एस सी पी तो सी एस सी पी और सी एस सी पी किसके नीचे काम करती है सी सी ई ए के दिस इज अ कैबिनेट कमेटी एंड दिस इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसिस और तो यहाँ पर मैंने बता दिया कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये रिकमेंडेशन किससे लेती है सी एस सी पी से और सी एस सी पी के रिकमेंडेशन इज नॉट बाउंडेड अब जब भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करना है तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे सो देयर आर सम फैक्टर्स टेंकर्ड इन टू द कंसिडरेशन फॉर फिक्सिंग एम एस पी अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एम एस पी के लिए कंसिडर किए जाते हैं फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सेकेंड है डिमांड एंड सप्लाई विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर थर्ड है प्राइस ट्रेंड इन द मार्केट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है इंटर इंटरक्रोप प्राइस पैरिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर अ मिनिमम ऑफ फिफ्टी परसेंट एज द मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर मैंशन किया हुआ है Cost of production by minimum 50% of the margin, and likely implication of MSP on consumer of that product. So there are some factors on which MSP is uh, fixed. Okay. Cost of cultivation, demand and supply, price trend in the market, both domestic and international intergroup price parity, terms of trade between agriculture, non-agriculture, minimum a uh, 50% uh, margin over uh, cost of the production. एंड लाइकली इम्प्लीकेशन ऑफ एम एस पी ऑन कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है एंड सी एस सी पी मेक ऑल्सो विजिट टू स्टेट फॉर ऑन दस कंस्ट्रेंट और सी एस पी काफी स्टेट्स में विजिट करती हूँ यहाँ पर वो क्रॉप बेस्ड दैट फार्मर फेज इन मार्केटिंग देयर प्रोड्यूज और इवन रेजिंग द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ देयर क्रॉप एंड बेस्ड ऑन ऑल दीज इनपुट दी एस सी पी देन फाइनलाइज दिस रिकमेंडेशन रिपोर्ट विच आर देन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में सी सी ई ए द गवर्नमेंट इन टर्न सर्कुलेट द सी एस सी पी रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड कंसर्न सेंट्रल मिनिस्ट्रीज फॉर देयर कमेंट क्लियर सी एस सी पी भारत सरकार को रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी और भारत सरकार उसको कहाँ पर सर्कुलेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को और कुछ सेंट्रल एजेंसी को एंड आफ्टर रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम दैम द कैबिनेट कमेटी ऑफ अ यूनियन गवर्नमेंट द चेयरपर्सन इज अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेक अ फाइनल डिस्कशन एंड द फाइनल डिसीजन ऑन द लेवल ऑफ एम एस पी एंड अदर रिकमेंडेशन मेड बाय द सी बट मैंने पहले भी बता दिया दिस रिकमेंडेशन आर नॉट बाउंडेड अब बात करते हैं प्रोक्योरमेंट में मैंने पहले बता दिया था कि प्रोक्योरमेंट के लिए सेंटर की तरफ से एफ होती है एंड स्टेट एजेंसीज भी होती हैं क्योंकि तो जब भी फार्मर्स से प्रोक्योर करना है तो गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर नहीं करती गवर्नमेंट के बिहा पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करती है द फूड ऑफ इंडिया इज अ नोडल सेंट्रल एजेंसी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद स्टेट एजेंसी क्योंकि इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं स्टेट की गवर्नमेंट्स भी फार्मर से फूड प्रोक्योर करती है अलॉन्ग विदेट एजेंसी अब मिनिमम स्पोर्ट प्राइस की कैलकुलेशन देर थ्री मैथडिये एमएसपी के तीन मैथड एक तो है ए टू एक तो है ए टू प्लस एफ एल और थर्ड है सी टू और भारत सरकार इस बेसिस पे एमएसपी प्रोवाइड करती है और एक कमीशन बनाया गया था उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी सी टू की द एम एस पी इज यूजली एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द थ्री टाइप्स ऑफ द कैलकुलेशन फर्स्ट है ए टू इसमें क्या होता है अंडर दिस एम एस पी इज सेट फिफ्टी परसेंट हायर देन द अमाउंट फार्मर स्पेंड ऑन द फार्मिंग जितना किसान फार्मिंग पे स्पेंड करता है उससे फिफ्टी परसेंट ज्यादा होना चाहिए एम एस पी दैट इज और वो स्पेंडिंग में कौन कौन से क्राइटेरियाज आएंगे सीड्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एंड लेबर ओके okay? वो सीड्स पे फर्टिलाइजर पे पेस्टिसाइड और लेबर पे जितना भी स्पेंड होता है उससे फिफ्टी परसेंट ज्यादा होना चाहिए दिस इज अंडर ए टू एक होता है ए टू प्लस एफ एल एफ एल का मतलब है फैमिली लेबर इट इंक्लूड ए टू प्लस असाइंड वैल्यू ऑफ अनपेड फार्मर फैमिली लेबर इसमें अनपेड फैमिली लेबर भी इंक्लूड है ए टू तो है ही है प्लस अनपेड फैमिली लेबर और थर्ड है सी टू अंडर द सी टू द एस्टिमेटेड लैंड रेंट एंड द कोस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मनी टेकन फॉर फार्मिंग आर एडिड इसमें क्या होगा सी टू में एक तो लैंड का रेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन द मनी जिसपे वो फार्मर्स ब्याज पे जो पैसा लेता है उसके ऊपर ब्याज ठीक है तो ये सी टू है ए टू ए टू प्लस एफ एल फैमिली लेबर एंड सी टू उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ सेट अप नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स देखिए भारत सरकार ने दो हज़ार चार में एक नेशनल कमीशन बिठाया था जिसपे एम एस पी पे टू अड्रेस द इशू ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया इंक्लूडिंग दैट द कैलकुलेशन ऑफ एम एस पी अब हम बात करते हैं ने नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स क्या है देखिए नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स की कमेटी बनाई गई थी दो हजार चार में और इसके चेयरपर्सन थे एम एस स्वामीनाथन वज द फादर ऑफ़ द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया so uh, national commission on farmer was uh, constituted in 2004 by the union government with ms swaminathan as a chairperson and the main aim of the committee was to come up with a sustainable farming make up farm commodities cost competitive and more profitable this commission in 2006 recommended that msp must be at least 50% more than the cost of production and recommended the c2 method और मैंने आपको बता दिया एक तो होता है ए टू मैथड ए टू प्लस एफ एल और एक होता है सी टू मैथड एम एस स्वामीनाथन ने सी टू एम एस पी का रिकमेंडेशन दी थी बट द गवर्नमेंट कैलकुलेट्स एम एस पी बेस्ड ऑन ए टू प्लस एफ एल मैथड नेक्स्ट बात करते हैं एंड नेक्स्ट इज अ सी एस सी पी वट इज अ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसिस यू नो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसिस दिस इज ए अटैच ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1965 में इस कमीशन को बनाया गया था एंड दिस इज अटैटोटरी बॉडी ये कानून के द्वारा गई बॉडी है एंड द कमीशन कम्प्राइसिस चेयरपर्सन मेंबर सेक्रेटरी वन मेंबर ऑफिशियल एंड टू मेंबर नॉन ऑफिशियल एंड द नॉन ऑफिशियल मेंबर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी एंड यूजली हैव एक्टिव एसोसिएशन विद द फार्मिंग कम्युनिटी दो जो नॉन ऑफिशियल मैंबर्स हैं वो फार्मिंग कम्युनिटी से होते हैं एंड इट इज मैंटेड टू रिकमेंड एम एस पी टू इंसेंटिवाइज द कल्टिवेटर टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी वेस्ट प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल ग्रीन प्रोडक्शन और सी एस सी पी का काम होता है कि एम एस पी को रिकमेंड करना और सी एस सी पी एक साल में दो बार रिकमेंडेशन देती है एक देती है खरीफ क्रॉप पर और एक देती है राबी क्रॉप पर क्लियर तो ये था हमारा टॉपिक एम एस पी तो एम एस पी रेस की गई है बट यू नो एम एस पी रेस करने का पीछे मोटिव भी सरकार को पता है कि दे फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग इन इंडिया एंड uh, और जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है इज़ अ लोअर मार्जिन अगर मैंने यहाँ पर मार्जिन बता दिया हुआ है, ओके तो ये था हमारी इस वीडियो में एंड फॉर अ कम्प्लीट कोर्स ऑफ इकोनॉमी, काइंडली डाउनलोड माई ऐप एंड एनरोल फॉर द कॉर्सेज सो दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो थैंक यू टेक केयर